नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रिया सिन्हा आपके साथ है। जिसका इंतजार सभी को था, पंचायत चुनाव के डेट्स कब अनाउंस किए जाएंगे, अपडेट्स अनाउंस कर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 11 चरणों में पंचायत चुनाव कंडक्ट कराया जाना था। कई दिनों पहले ही पंचायत चुनाव हो जाना था, लेकिन सबसे पहले ईवीएम के चलते यह अटका, उसके बाद कोविड सेकेंड वेव के चलते यह अटका, और अब फाइनली डेट्स अनाउंस किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो डेटा लीक हुआ था, जो पत्र लीक हुआ था, उसमें भी सितंबर से ही चुनाव होने की आशंका बताई जा रही थी, और अब जो डेट्स संशोधित कर दिए गए हैं वो भी सितंबर से ही है। तो 11 चरणों में चुनाव होने हैं, कुल 4 महीने तक चुनाव चलेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हर महीने में लगभग 2 या 3 डेट्स पे चुनाव होने हैं, और 11 चरणों में चूंकि यह कंप्लीट कराया जाना है, तो ऐसा पहली बार हुआ है बिहार में कि 11 चरणों में पंचायत चुनाव कंडक्ट कराए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि 24 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाएगी, बाकी डिटेल्स 24 अगस्त को बताए जाएंगे, लेकिन सिर्फ जो डेट्स बताए गए हैं और कहां चुनाव आसार होने हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, किस चरण में कहां होने हैं। अंतिम चरण की हम खास तौर से बात करेंगे, चूंकि अंतिम चरण के लिए स्पेशली ये कहा गया है। बाढ़ प्रभावित है अभी पूरा बिहार, और लगभग सभी ही जिले बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन जो जिले सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं उन जिलों में चुनाव सबसे अंतिम चरण में होगा, यानी कि दिसंबर में वहां चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे। सबसे पहले चरण में 24 सितंबर, 29 सितंबर को चुनाव होने हैं, सितंबर माह की बात करें तो, अक्टूबर में 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, नवंबर में 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर और 29 नवंबर, और दिसंबर में 8 दिसंबर और 12 दिसंबर। तो नवंबर लास्ट और दिसंबर में जो चुनाव होने हैं वो अंतिम चरण के चुनाव जो हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में होंगे। उनमें से सबसे पहले आपको बता दें पटना भी आ सकता है जहाँ अंतिम चरण में चुनाव हो, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और समस्तीपुर, ये कुछ जिले हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। तो इन जिलों में चुनाव जो है अंतिम चरण में हो सकता है, नवंबर लास्ट या दिसंबर के जो 2 डेट्स दिए गए हैं उसमें ये चुनाव कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो अब पंचायत चुनाव के लिए जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, सभी लोग रेडी भी हो चुके हैं, तो फाइनली डेट्स अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, और भी डिटेल जो भी आएगा पंचायत चुनाव से रिलेटेड हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।